نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे ज़ेर नाफ बाल देखना, ज़ैल करना, काटना इसकी क्या ताबीर है, इसका हमारी हकीकी ज़िंदगी से क्या रब्त, क्या कनेक्शन है। आइए इस वीडियो में मालूम करते हैं। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब ज़रूर लिखिए, हम ख्वाब की ताबीर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलें आज की वीडियो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हज़रत इमाम शेख अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब ख्वाब और ताबीर, उसमें इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़ेर नाफ बाल काटता है या ज़ायल करता है तो ये फसाद दीन और गम पाने पर दलील है। हज़रत इस ज़िमन में आगे मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि औरत का अपने ज़ेर नाफ बाल देखना खेती पर दलील है। इसके साथ हज़रत ये भी सूरत इरशाद फरमाते हैं कि ये तलाक पर भी दलील हो सकती है क्योंकि ये कराहत वाली चीज़ है। हज़रत इस ज़िमन में मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मर्द ये अपने ख्वाब में देखता है कि उसके ज़ेरे नाफ बाल नहीं हैं, गिर गए हैं या ज़ाय हो गए हैं या जल गए हैं या वैसे कट गए हैं, तो हज़रत फरमाते हैं ये इस अमर पर दलील है कि वो कोई ऐसी हमाकत का काम करेगा, ऐसी बेवकूफ़ी वाला काम करेगा कि जिसके सबब उसको ज़िल्लत भी होगी और उसके साथ साथ उसका माल भी उससे जाता रहेगा। हज़रत इस ज़िमन में मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखता है उसके ज़ेरे नाफ बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं या बहुत बढ़ गए हैं, तो हज़रत फरमाते हैं ये उसके फसाद दीन पर भी दलील है। दोस्तों अगर आपने कोई अच्छा ख्वाब देखा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बुरा, डरावना, परेशानी, मुसीबत वाला ख्वाब देखा हो तो परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार, सदका खैरात और दुआओं का एहतमाम कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।